क्वेश्चन इज अ डाइल्यूट एच सी एल सॉल्यूशन हैज बीन सैचुरेटेड विद एच टू एस विच हैज अ पी एच वैल्यू ऑफ 3। पी एच अगर 3 है तो आपको पता है कि एच पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज 10^-3 मोलर। सो द सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एच टू एस आर गिवन। तो देखिए एच टू एस इस तरीके से आयनाइज करता है टू गिव यू एच पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। के वन आपको गिवन है, फिर ऐसे जो हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है वो फर्दर डिसोसिएट करता है टू गिव यू सल्फाइड आयन। के टू आपको गिवन है, के वन इज एच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू एस। एच एस नेगेटिव सिमिलरली के टू जो है दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एस नेगेटिव। अब देखिए एच टू एस आपने 0.1 मोलर लिया, एच टू एस इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो आप इसके डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट से देख सकते हो। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स अगर कम है तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आप से वीक है, मीन्स बहुत ही कम आयनाइज करता है। तो एच टू एस जितना भी आपने लिया है वो बहुत ही कम आयनाइज कर रहा होगा, और एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फर्दर सप्रेस हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। ये जो इक्विलिब्रियम है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो एच टू एस का डिसोसिएशन तो बहुत ही ज़्यादा कम आने वाला है। तो जितना भी हमने एच टू एस ओरिजिनली लिया होगा ऑलमोस्ट उतना सा ही सॉल्यूशन में पड़ा होगा व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो के वन अगर हम देखें, के वन की वैल्यू है 10^-7। एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है दैट इज 10^-3। एच एस नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हम डिटर्मिन कर सकते हैं, एच टू एस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर होगी। तो अगर हम देखें तो दिस विल बी 10^ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एस नेगेटिव विल बी 10^-5 मोलर। दिस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी यूज इन दिस के टू एक्सप्रेशन। के टू की वैल्यू आपको 1.3×10^-13 गिवन है। एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, पी एच एस 3। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमने डिटर्मिन करनी है, एच एस नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10^-5 है। तो इससे आप देख सकते हो कि जो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई है इट इज 1.3×10^-15 मोलर। डी आपका आंसर है।